गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आगमन पे हैं और पटना में इसके लिए विशेष तैयारी भाजपा ने की हुई है। अमित शाह एयरपोर्ट से निकलकर बापू सभागार जाएंगे और जिस रास्ते से उन्हें जाना है उसके लिए पूरी तैयारी भाजपा सुबह से ही करनी शुरू कर दी है। जिस रास्ते पे जाएंगे वहाँ पोस्टर लगा दिए गए हैं, फूलों की वर्षा कराई जाएगी और जगह जगह अमित शाह के स्वागत में जो मंच है वो बनाया गया है। देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो की जा रही है। अमित शाह वैसे तो किसान समागम में आ रहे हैं और वाल्मीकि नगर जाएंगे जहाँ पे वो बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन पटना में जो विशेष तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अमित शाह इसी रास्ते से, ये बेली रोड है और इसी सड़क से एयरपोर्ट से निकलते हुए अमित शाह को बापू सभागार में जाना है जहाँ किसान समागम करना है। लेकिन उसके पहले पटना में तैयारी किस तरीके से सड़कों पर की गई है अमित शाह के स्वागत के लिए, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। देखिए पटना में जगह जगह बड़े बड़े जो स्टेज है वो बनाए गए हैं। इन स्टेजों पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अमित शाह का कारवा जब इस रास्ते से गुजरेगा तो उनके ऊपर फूलों की बारिश करानी है। ये तैयारी भाजपा का जो है वो अब तक किया गया है। पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए गए हैं, पार्टी के झंडे कोने कोने पर गाड़ दिए गए हैं और सीधे तौर पे ये एहसास कराया जाएगा कि अमित शाह के बिहार आगमन, बिहार का जो दौरा है वो बेहद खास भी बीजेपी के लिए मानी जा रही है। 25 फरवरी आज का दिन बिहार के सियासत के लिए इसलिए भी खास हो जाता है कि एक तरफ महागठबंधन पूर्णिया में महारैली कर रहा है तो दूसरे तरफ बिहार में भाजपा अमित शाह के सहारे सीधे तौर पर उनको चुनौती देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इस मंच पे हम आपकी चर्चा आपको दिखा दें कि किस तरीके से जगह जगह इस तरीके से मंच बनाया गया है और इस पर तैयारी की जा रही है कि जब अमित शाह यहाँ से गुजरे तो उनकी निगाहें जब पड़े तो बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस मंच पर खड़े होकर अमित शाह का स्वागत करेंगे। इसके लिए जो व्यवस्था है वो की गई है। तो दिखा रहे थे कि देखिए किस तरीके से पटना के बेली रोड पर जहाँ से अमित शाह को जाना है, यह पूरा जो रूट है वो सेट हो चुका है। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स इस मंच पे लगाए जा रहे हैं जहाँ से संबोधन करना है। और दरअसल अमित शाह जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह सीधे तौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में पहुँच रहे हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्रम किसान मजदूर समागम का है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के मौके पर किसानों के साथ अमित शाह का जो समागम है वो होना है और इसके लिए तैयारी की गई है। और देखिए जिस तरीके से तमाम बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें लगा दी गई है, पोस्टर लगा दिया गया है और किसान मजदूर समागम की तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं से जो बापू सभागार जाने के दौरान अमित शाह का जो कारकेट है, जो रास्ता है वो गुजरेगा, वहाँ पर सीधे तौर पे ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही है जहाँ पे अमित शाह के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जो तैयारी है वो की गई है और यहाँ पे पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। और देखिए बड़े बड़े जो बॉक्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, पंडाल लगाए जा रहे हैं, टेंट लगाया जा रहा है। इन लोगों से बात करते हैं कि तैयारी क्या है, कुछ है क्या, कुछ तैयारी है यहाँ पे। क्या बजेगा यहाँ पे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, आएंगे अपना सुनाएंगे कुछ कुछ। कौन आएंगे? अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं पता है कुछ? आएंगे अपना कुछ कुछ जो बोलना है वो अपना बोलेंगे। जो यहाँ आना है उनको कि बापू सभागार जाना है? आप लोग को क्या जिम्मेवारी मिली है? यहाँ कौन बोला है? कार्यकर्ता लोग बोले हैं। और क्या कुछ करना है यहाँ पे? बस हम लोग को साउंड लगा देना, माइक लगा देना, साउंड लगा। अमित शाह के स्वागत के लिए तो ये अमित शाह के स्वागत की तैयारी है, वो अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम दौर पे है, क्योंकि शाम 4 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है अमित शाह को पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार जाने का और शाम 6 बजे फिर उनकी वापसी भी होनी है। इसके लिए पूरे जो तैयारी है वो कर दी गई है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम बेली रोड यानी नेहरू पथ की तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं और यहाँ पे जगह जगह पोस्टर झंडे लगा दिए गए हैं। अमित शाह के स्वागत में कोई कसर बाकी न रह जाए इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।